नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। सो आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इट्स अ टाइटल जो है, टाइटल जो है वो है कि लाइफ चेंजिंग बयान ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। सो वैसे मैंने दो तीन वीडियोस बना के रखी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। सो ये वीडियो होने वाली है कि लाइफ चेंजिंग बयान। सो लाइफ चेंजिंग बयान हमने इंजीनियर मोहम्मद हमने मौलाना तारिक जमील का सुना है और रजा साकिब मुस्तफा का सुना है, लेकिन इनका बयान नहीं सुना है इससे रिलेट करता हुआ। सो आज हम वो सुनते हैं एंड आई होप सो कि आपको जो है टॉपिक जो है सही लगा होगा। सो बताना कमेंट करके आप लोग जरूर। एंड अभी जो है हम चलते हैं वीडियो की तरफ, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें एंड चलो फिर वीडियो को करते हैं हम प्ले। अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? जिन जिन चीजों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो, तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीजों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा भी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीजों से रोका हुआ है ये सारी चीजें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये हलाल उसके लिए होंगी जिसने रोजा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा, खोजे का तो नहीं होगा, उसकी तो फैंटी लग जाएगी। इसी मैं कहता हूं दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी की गुजारी फिर आखरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगम्बरों के जरिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सूरह आल इमरान में भी है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में, तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है। लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहें, अनलिमिटेड होगी जन्नत में। जन्नत में जिंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है, यहां तो पाबंदी है आपके ऊपर चीजों की। तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी है कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीजों की तरफ रगबत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रगबत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आजमाया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तो मैं दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोज़ा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा, और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह आया ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला माता मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह सजदा की आयत तलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर वन ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर टू मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर तीन मैं बूढ़ा ना हूं, पूरी नहीं हो सकती, हमेशा एंजॉय करता रहूं यंग एज, यही है ना तीन ख्वाहिशात। अगर ये तीन चीजें दुनिया में आपको मिल जाए तो सर खुदा को फिर किसने रिस्पांस करना है? आपसे मैं भी पूछ लेता हूं, अगर आपको कोई मुसीबत परेशानी ना आए, आप बूढ़े ना हो और आपको मौत भी ना आए, तो खुदा आपकी जरूरत ही नहीं। और खुदा में यही क्वालिटीज हैं कि उसको मौत नहीं आती है, उस पर कभी जवाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मोहताज नहीं है ना। हमारी जरूरत खुदा है,
लेकिन हम खुदा की जरूरत नहीं है, अल्लाह कहता है मैं गनी हूं। और जन्नत में आपको ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने जन्नत में जाते ही जो आपको पहले समझ लेना तीन जो तमगे मिलने हैं ना वो यही है। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा जन्नती हो तो मैं मुबारक हो, जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान महशर में ला के कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि अब मौत आनी नहीं है, और दोस्त की कहेंगे वो काश हमें मौत आ जाती। दूसरी खुशखबरी मिलेगी, सही मुस्लिम में हदीस में अल्फाज हैं, आज के बाद कभी मूढ़े नहीं हो गए, हमेशा जवान रहोगे। तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल उम्र होगी हर जन्नती की और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहां शराब हराम है, वहां शराब जायज है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में सोच सकते हैं वो जन्नत में, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहां से नाराज होना है, नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़, सर छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रगबत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें, ठीक हो गया। लेकिन ये रोजा इधर रखना पड़ेगा, और ये अल्लाह ताला ने वैसे आजमाइश में डाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप रखा है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी नागवारी आपको होगी, और दोजख को खुशनुमा चीजों से ढांप रखा है। यानी दोजख के ऊपर तो कड़गा लगा हुआ है, हर बंदा ही उधर बढ़ेगा, और जन्नत वाला बंदा सोचेगा 10 बार यार बड़ा औखा रास्ता, एक कौन कर सकता है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में, इसकी एक्सप्लेनेशन एक हदीस है अबू दाऊद में, सुन निसाई के अंदर, सुन इब्ने माजा में, बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी हदीसें आपको मिश्कात की 3 जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएंगी। वो बड़ी मजे की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा जरा जन्नत देख के आओ। वो आयो, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जगह ही बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्कत, बी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्कत, हलाल और हराम के फर्क की मुशक्कत, रोजों की मुशक्कत, कितनी मुशक्कतें हैं, शरीयत की पाबंदियां। अल्लाह ने फरमाया आप जाके जरा जिब्राइल देखो। वापस है उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दी है तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा आप दोजख को देखो। दोजख के कहते या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा आजाद है। फिर अल्लाह ताला ने दोजख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीज़ों से, अट्रैक्टफुल चीज़ों से, शहवात से। कहा जिब्राइल आप देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोजख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ता ही दोजख की तरफ ले जाने वाला है, जितना भी अट्रैक्टफुल जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है। लेकिन सर थोड़ा सा रोजा रख लें सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला दुनिया में जिसने याशी की जिंदगी गुजारी होगी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उसको बुलवाएगा और कहेगा फरिश्तों जरा इसे एक फेरा लगाओ ना दोजख का, क्योंकि दुनिया में बड़ा कहा गया था एक ही फेरा लगना है, कहने ना लोग। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि दोजख थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए, बड़ी बुरी जगह है रहने की। ये मुसलमान है जो बदमाशी के साथ कहता खैर एक फेरा ही लगेगा, और हालत इसकी ये है कि मोमबत्ती के फ्लेम में 10 सेकंड के लिए ये हाथ नहीं रख सकता। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, और जिसकी ये औकात है कि वो दुनिया की आग के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं फ्लेम के ऊपर रख सकता, वो आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहानी है सिर्फ अपने आप को कराई हुई है। लाइफ चेंजिंग ये बयान था। सो इससे हमने क्या सीखा, इसे हमने ये सीखा, शुरू शुरू में उन्होंने कहा कि सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर एक चीज में आप जो है सब्र करो, तो ये भी एक हमारा लाइफ चेंजिंग वो हो जाएगा कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगा अगर हमने सब्र करना सीख लिया। तो सेकंड में उन्होंने कहा कि जो हर कोई चाहता है कि 3 उसकी विशेष होती हैं, 3 इच्छाएं होती हैं, 1 क्रीम उसे कोई बीमारी ना लगे, उसे कोई तकलीफ ना हो, 2 वो कभी मरे ना, 3 वो कभी बूढ़ा ना हो। तो ये तीनों की तीन ऐसी चीजें हैं, ऐसे विशेष हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी चीजें क्यों मन में पालना।
तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें कही हैं, स्पेशली मुझे सब्र वाली बात बहुत पसंद आई कि हमें सब्र करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि पेशेंस से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इनका लाइफ चेंजिंग बयान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं गाइज अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ, तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।